जैसे आर्मी के जनरल होते हैं, उसका नेवी में जो रैंक होता है एडमिरल होते हैं। अभी नेवी की जो कमांड है वो एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाज़ी निशान जहाज में 17 सालत के पास है, ठीक है। ये नेवी का एडमिरल है और जिस पर जनरल के इक्वल है, मेरी बात समझ रहे हैं, पूरी नेवी इनके अंडर कमांड है। कायद अजम ने मतलब आपको मैं हर चीज़ बताऊंगा नेवी के बारे में, नेवी में आने का आपको फ़ायदा क्या होगा, सर्विस बेनिफिट्स क्या होंगे, तरीका क्या है, ठीक है। और एक बहुत अच्छा कैरियर है, ठीक है। आपको आवाज़ आ रही है आपको, मैं समझ आ रही है बात, कोई आपको बात समझ ना आए आप उसे क्लियर कर लें, ठीक है। मैं उर्दू में आपसे बात कर रहा हूं। नारो गवादर हूँ, यानी कि गवादर और इससे मुंसलिक जितने इलाके हैं जिसमें गवादर, जिवनी, पस्नी और मारा, तुरबत और उथल आता है, इन सब इलाकों में जो भर्तियाँ और जो रिक्रूटमेंट और इंडक्शन है वो हमारी ज़िम्मेदारी है नेवी के अंदर। तो इसी को इंक्रीज़ करने के लिए, क्योंकि हमने देखा है काफ़ी कैंडिडेट्स की तादाद कम होती है ऑफिसर कैडर्स में और सेलर्स में, तो इसी को इंक्रीज़ करने के लिए हमने ये विज़िट जो है ये प्लान किया था, जिसमें हम पसनी पहुँचे हैं और यहाँ के सारे कॉलेजेस और स्कूल्स का विज़िट कर रहे हैं, वहाँ पे मोटिवेशनल लेक्चर्स हम डिलीवर कर रहे हैं। इसके बाद हम जाएंगे और मारा में और बाकी दूसरे इलाकों का इसके बाद हम दौरा करेंगे। तो हमारी ख्वाहिश है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कायल करें कि ये एक बहुत अच्छी सर्विस है, यहाँ पर आएँ और अपना आके इसको जो है कौमी धारे का हिस्सा बने। और इसी तरह क्योंकि ज़्यादा लोग जब आर्म फोर्सेस का और बिलखसूस नेवी का पार्ट बनेंगे तो डेफ़िनेटली वो लोगों का एक जो है यहाँ पर एक वे ऑफ लाइफ, हर चीज़ चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए हमें आए हैं कि यहाँ पे स्कूलों में हमारा दौरा किया है और मैंने यहाँ पे बड़ा अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस पाया है और लोग बहुत एक्साइटेड हैं और हमारी आवाज़ उन तक पहुँची है अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया के तवस्सुत से। और आइंदा भी इंशाल्लाह हम आते रहेंगे और हमारी इंडक्शन इंक्रीज़ होगी तो पाकिस्तान नेवी को, बलोचिस्तान को, सब को, पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। या जहाज़ से, बैरी जहाज से या कश्ती से रिलेटेड उसको नेवी से ताल्लुक हो, उसको नेवी कहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता नेवी के शिप्स आप देखें, पहले इस तरह के थे, फिर इस तरह भी एयरक्राफ्ट कैरियर बन गए, एयरक्राफ्ट कैरियर कहलाता है, ठीक है। इसके ऊपर पूरे जहाज होते हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं, ये कहीं भी लिजाज से मानता है।